आप सभी को राम राम। कैसे आप लोग? तो जब से पेट्रोल और डीजल के प्राइस के अंदर गवर्नमेंट ने कांडी लगाई है, मतलब कांडी तो वैसे धीरे धीरे लगाई थी, मगर यह है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही कांडी लगा दी और कुछ पानी डाला है, कुछ बूंद पानी डाल दी 8 रुपये के। तो इसके चलते लोग सोच रहे हैं, भैया हमें बाइक तो खरीदनी है, मगर माइलेज बाइक भी होनी चाहिए, सस्ती भी होनी चाहिए और 100 से 150 cc की बाइक होनी चाहिए। मतलब ये सारी क्राइटेरिया उनकी फुलफिल करनी चाहिए, तब जाके बाइक खरीदने की प्लानिंग करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी बाइकें लेके आया हूँ, मतलब 100 cc से लेकर 150 cc की बाइकें, जिनके माइलेज टॉप नॉच की है, मतलब टॉप क्लास की है आज की डेट के लिए। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे थे कि हाँ भैया बेस्ट माइलेज बाइक मिल जाए हमें ऑफिस आने जाने के लिए या कॉलेज आने जाने के लिए, क्योंकि कॉलेज आने जाने के लिए तो माइलेज चाहिए ना, और अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होगा तो भी उसे तो माइलेज चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि कैंटीन में 200 समोसे खाने के पैसे तो बचने चाहिए। इसीलिए तो भैया अगर आप लोग भी कोई प्लानिंग कर रहे थे या सर्च कर रहे थे ऐसी 150 cc वाली बाइकें या 100 cc वाली बाइकें, तो ये वीडियो देख लेना। इस वीडियो में सस्ती सुंदर टिकाऊ बाइकें लेके आया हूँ मैं, जो माइलेज भी देंगे आपको, पैसे बचाएंगे और आप एंड में 200 समोसा खा लोगे कॉलेज के अंदर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो पहली बाइक है वो है होंडा यूनिकॉर्न। होंडा यूनिकॉर्न इंडिया के अंदर जापानी बाइक ब्रांड की सबसे पुरानी बाइक है। ये बाइक अपने शानदार परफॉर्मेंस, माइलेज और कंफर्ट के लिए जानी जाती है। इंडियन मार्केट के अंदर होंडा यूनिकॉर्न की जो प्राइस है वो 1,02,000 रुपये, जो कि शोरूम प्राइस है। इस बाइक के अंदर आपको 162.7 cc का इंजन मिलता है, जो कि फ्यूल इंजेक्टेड BS6 इंजन होता है। और ये जो इंजन है आपको 12.9 BHP का पावर देता है और 14 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में कंपनी ने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैलोजन लाइट, हैलोजन टेल लाइट, ट्रांसपेरेंट टर्न इंडिकेटर और 14 लीटर का फ्यूल टैंक दिया हुआ है। होंडा यूनिकॉर्न आपको दो वेरियंट में अवेलेबल होती है, ड्रम वेरियंट और सिंगल डिस्क वेरियंट। सिंगल डिस्क वेरियंट के अंदर सिंगल चैनल ABC मिलता है आपको, और इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ होंडा यूनिकॉर्न की, तो इसकी जो माइलेज है वो 50 से 52 किलोमीटर की है, जो कि कंपनी क्लेम करती है। और ये आपके चलाने पर डिपेंड करती है, और ये भी डिपेंड करता है कि रोड कंडीशन कैसी है, रोड बिल्कुल मक्खन वाली है या बिल्कुल ही मक्खन वाली है। तो जो दूसरी बाइक है वो है बजाज पल्सर 150। बजाज पल्सर 150 भी काफ़ी समय से बाजार में बिक रही है और युवाओं के बीच में काफ़ी पॉपुलर बाइक है। और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ, तो इसकी जो कीमत है वो 1,03,000 रुपये है, जो कि शोरूम प्राइस है। और इस बाइक के अंदर आपको 149.9 cc का सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल जाता है। और ये इंजन आपको 13.8 BHP का पावर देता है और 13.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पल्सर 150 के अंदर आपको सिंगल और डुअल डिस्क के साथ ABS का ऑप्शन मिलता है। बाइक के अंदर LED हेडलैम्प, LED टेल लाइट और इसके साथ आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिल जाते हैं। पल्सर 150 का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 15 लीटर की है, और इसकी जो माइलेज है सिटी के अंदर वो 48 से 50 किलोमीटर पर लीटर की है। ये सिटी की बता रहा हूँ मैं, अगर आप लोग हाईवे पे चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। तो जो अगली बाइक है वो है टीवीएस अपाचे RTR 164V। टीवीएस अपाचे RTR 164V इस सेगमेंट में सबसे स्पोर्टी लुक वाली बाइक है। इस बाइक में LED हेडलाइट, LED टेल लैम्प और LED डायल दिए गए हैं। और ये बाइक ब्लूटूथ फीचर के साथ आती है, मतलब आप लोग इसके अंदर अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो। इस बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक, सिंगल डिस्क और रियर डिस्क वेरिएंट मिलता है। अपाचे RTR 164V की जो प्राइस है वो 1,11,000 रुपये, जो कि शोरूम प्राइस है। और टीवीएस अपाचे RTR 164V में 159.7 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 इंजन मिलता है, और ये इंजन आपको 17.3 BHP का पावर देता है और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में रेस ट्यून्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है, जो कि ज़्यादा थ्रॉटल लेने पर रिस्पॉन्स देता है, जिसके चलते इसे चलाने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको। टीवीएस ने ट्रैफिक में इस बाइक की राइड को आसान बनाने के लिए न्यू ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी दिए, जिसे चलते ट्रैफिक में बिना एक्सीलेट दिए इसे 6 से 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चला सकते हो आप लोग। इस बाइक की ब्रेकिंग को अच्छा बनाने के लिए कंपनी ने इसके अंदर सिंगल चैनल ABS दिए। तो जो अगली बाइक है वह है हीरो एक्सट्रीम 160R। हीरो एक्सट्रीम 160R भी स्पोर्टी लुक वाली कम्यूटर बाइक है। इस बाइक में सभी लाइटें LED हैं, और इस बाइक के अंदर आपको 160 cc का फ्यूल इंजेक्ट एयर कूल BS6 इंजन मिल जाता है, जो कि 15.2 BHP का पावर देता है। और ये बाइक 4.7 सेकंड में 0 से 60 की स्पीड पकड़ लेती है। हीरो एक्सट्रीम 160R को रिजिड डायमंड चेसिस पे बनाया गया है। इस बाइक की बेहतर हैंडलिंग के लिए इसके अंदर 37 mm के टेलीस्कोपिक फोक दिए और पीछे 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिए। इंडियन मार्केट के अंदर हीरो एक्सट्रीम 160R की जो प्राइस है वो 1,14,000 रुपये है, जो कि शोरूम प्राइस है। और हीरो एक्सट्रीम 160R के एक्सटेक वेरियंट के अंदर आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, उसके साथ आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का फीचर मिल जाता है। तो जो अगली बाइक है वो है यामा FZS। यामा FZS एक स्टाइलिश नेकेड स्पोर्टी बाइक है। इस बाइक की राइडिंग पोजीशन काफ़ी आरामदायक है। यामा FZS के अंदर LED हेडलाइट, फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे कई सारे फीचर मिल जाते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 1,19,000 रुपये, जो कि शोरूम प्राइस है। और ये जो बाइक है
डुअल टोन रंग के साथ आती है, और इसके साथ इसके अंदर आपको बॉडी ग्राफिक्स, कलर्ड अलॉय व्हील और टू लेवल कलर्ड सीट दी गई है, जो कि बाइक को और काफ़ी स्टाइलिश बनाती है। अगर मैं इंजन की बात करूँ, यह हमारे FZS की, तो इसके अंदर आपको 150 cc का ब्लू कोर इंजन मिलता है, जो कि 7,250 rpm पे 12.4 bhp का पावर देता है और 5,500 rpm पे 13.3 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो ये सारी बाइकें जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई हैं, ये सारी की सारी बेस्ट माइलेज बाइकें हैं। मतलब अगर आप लोग इनको खरीदते हो तो इनकी माइलेज आपको टॉप नॉच मिलेंगी, मतलब बेस्ट क्लास मिलेंगी इस कैटेगरी के अंदर। तो ये अगर आप लोग सर्च कर रहे थे तो आप इनमें से कोई सा भी कंसिडर कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इनकी प्राइस भी अच्छी है, मतलब बजट में है। और इतना बजट होता है नॉर्मली जब कोई इतनी बाइक खरीदने की प्लानिंग करता है 150 cc वाली बाइकों को। तो भैया अगर आप लोग लेते हो इनमें से कोई सा भी, तो भैया मेरे को जरूर टैग करना, मेरे को बड़ी खुशी होगी कि भैया मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के काम आ रही और लोग उस हिसाब से सही डिसीजन ले पा रहे हैं। बाकी अगर आप लोगों को बाइक का रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम DM कर दो ना, और फॉलो भी कर सकते हो। तभी तो अगर अपनी SKM की फैमिली और बड़ी होगी, जिससे आप लोगों को और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और थोड़े से ब्रांड भी मिलेंगे, थोड़े पैसे भी आएगा इसीलिए। तो बाकी इस वीडियो से इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी, मीटिव लगी, तो आपको पता क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।